डियर पेरेंट्स, अब आपका बच्चा घुटनों चलने की तैयारी कर रहा है या अब आपका बच्चा 3-4 मंथ का हो गया है तो आप उसे टमी टाइम जरूर दिलाइए। जी हाँ, टमी टाइम बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपका बच्चा अब 3-4 मंथ का हो गया है तो उसको डेली दिन में 3 या 4 बार टमी टाइम दीजिए। 5-5 मिनट के लिए या 4-4 मिनट के लिए आप अपने बच्चे को टमी टाइम दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे की जो बैकबोन है वो मजबूत होती है। दूसरा, आपका बच्चा जो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद चलने वाला होगा, घुटनों चलने वाला होगा, तो टमी टाइम देने से बच्चा घुटनों के बल अच्छे से चल पाता है। उसके जो थाई हैं, जो नी है, वो स्ट्रॉन्ग बनती है, बैकबोन स्ट्रॉन्ग होती है। साथ ही साथ बच्चे की जो गैस की प्रॉब्लम होती है, गैस को रिलीज़ करने में भी टमी टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिन बच्चे को कॉलिक की प्रॉब्लम रहती है, जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उसमें टमी टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप भी अपने बच्चे को टमी टाइम ज़रूर दीजिए यदि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या कॉलिक की प्रॉब्लम रहती है। इसके साथ यदि आपके बच्चे की जो नेक है वो अभी बहुत हिलती डुलती है, वो स्टेबल नहीं कर पाते हैं, तो टमी टाइम देने से बच्चे की जो नेक है वो जल्दी से स्टेबल हो जाती है। तो इस तरीके से टमी टाइम देने से मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। तो आप भी अपने बच्चे को टमी टाइम ज़रूर दीजिए और इन बेनिफिट्स का भरपूर फ़ायदा उठाइए।